बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में सैलानी शिमला, धर्मशाला, हरिद्वार और नैनीताल पहुंच रहे हैं। यहाँ की आबोहवा दिल्ली एनसीआर और मुंबई से काफी अच्छी है, यही कारण है कि यहाँ पर्यटक भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। शनिवार को शिमला में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 24 रहा, तो मनाली में ये 45 और धर्मशाला में 52 मापा गया। थोड़ा सा ये पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था, वहाँ दिक्कतें होती, सांस लेने में भी दिक्कत है, तो हम सोचे थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा ऐसी जगह जाया जाए थोड़ा सा पोल्यूशन से बचने के लिए, थोड़ा टाइम पहाड़ी एरिया में जाया जाए, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए हैं। बता दें कि बारिश के मौसम की सबसे ज्यादा मार पहाड़ी इलाकों को झेलनी पड़ती है, ऐसे में पर्यटकों का इन पर्यटन स्थलों पर पहुंचना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत की बात है। बरसात में भारी बारिश से आपदा के बाद यहां पर्यटन कारोबार चौपट हो गया था, अब इससे फिर इस व्यवसाय को गति मिल सकती है। दिल्ली की तो मौसम की हालत तो बहुत खराब हो रखी है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छी एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे नैनीताल में आए, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है, और यहाँ पे फ्री एनवायरनमेंट है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, दिल्ली से बहुत बेटर लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है या वो सांस के मरीज हैं, तो उनके लिए इन पहाड़ी इलाकों की आबोहवा किसी संजीवनी से कम नहीं होगी।